भाई ये मेरा क्लास रूम है यार, यहाँ मैंने पढ़ाई करी है ब्रो। ब्रेक में हम यहाँ फुटबॉल खेलते थे, यहाँ ऊपर यहाँ ना ऐसी लड़कियाँ खड़ी होकर नीचे देख रही होती थी, तो कंपटीशन होता था कि कौन शूट मार के सबसे ऊपर बॉल पहुँचाएगा। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई आज है 18 जून, और भाई सच बता रहा हूँ 3 दिन से लगातार, एक्चुअली हमें एक फ्रेंड्स रीयूनियन करना है, तो वो 19th को है जो कल है जिस दिन व्लॉग डल रही है। तो हम ना पिछले 3 दिन से यही डिसाइड नहीं कर पा रहे जाना कहाँ है। मुझे नहीं पता, हम मेरे ग्रुप का सीन ही है यार, हमेशा ना चीज़ें लास्ट मिनट में बनती है और लास्ट मिनट में चीज़ें कैंसिल भी होनी शुरू होती है, मतलब लोगों के फिर एक्सक्यूजेस निकल जाते हैं कि ये है वो है। खैर हमारे केस में इतना नहीं है, बट मैं ये बता रहा हूँ यार, कभी वो ना प्लान डिसाइड नहीं हो पाता। अब हमें कल जाना है, यू नो वी वर प्लानिंग टू बुक एन एयरबीएनबी, भाई हमें कुछ नहीं मिल रहा, फार्म हाउस वो भी नहीं मिल रहा, मतलब अभी कोविड की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और ये सब भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भाई हम फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हमें करना क्या है। तो यार मैं लिटरली बता रहा हूँ, पिछले 2 दिन में व्लॉग ही नहीं बना पाया इस चक्कर में कि भाई हम चीज़ें ढूंढ रहे हैं, भाई क्या करना है, भाई वो नहीं आ रहा, अब क्या करें, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं भाई, अगर कल तो मैं व्लॉग में कुछ दिखता है, कल मैं अगर व्लॉग बनाऊंगा तो बिल्कुल डालूंगा अगर हमारा प्लान बन जाता है, वरना गाड़ी निकालेंगे कहीं निकल लेंगे ड्राइव में। एनीवे अभी यार मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल एपीजे नोएडा, और कुछ बता दूंगा वो गाड़ी में जाते वाते क्यों जा रहे हैं। अभी बन रहा है अपना उपमा, यहाँ पर उपमा का मटेरियल, यहाँ पर मूंगफली, मूंगफली उसमें डाल देंगे, वहाँ बादाम है स्प्राउट्स के लिए, यहाँ क्या चाय बन रही है। यार एक्चुअली हमने ना स्कूल से टीसी लिया, ना कॉशन मनी लिया था, हमारे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जो ओरिजिनल है वो भी हमारे स्कूल में पढ़े हैं, तो यार ये सब कलेक्ट करना था और ये बहुत टाइम पहले से करना था, बट कभी ना मिल नहीं पाया। जब हमने 11th में स्कूल चेंज कर रहा था तब भी हमने यू नो टीसी, कॉशन मनी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कुछ नहीं लिया था, तो यार उनके कॉल भी आते थे बीच में, हम कभी यार जा ही नहीं पाते थे। अब थोड़ा फ्री हुए हैं, हम जा रहे हैं और स्कूल दिखाता हूँ तुम्हें, बहुत फार स्कूल है, अगर अंदर जा पाया मैं थोड़ा दिखाता हूँ, ग्राउंड इतना प्यारा था ना, बहुत सारी मेमोरीज है भाई, बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। हैं ग्राउंड चलते पहले, ये अपना ऑडिटोरियम है भाई, यहाँ पर रिसेप्शन बना दिया अभी थोड़े टाइम के लिए। अपना जो यहाँ का ऑडिटोरियम था भाई, वो पीवीआर के सिनेमा से कम नहीं था, बैल्कनी वाली सीट्स, नीचे वाली सीट्स, भाई सब कुछ। ये रैम थी, यहाँ से जूनियर्स का कनेक्ट होता था, यहाँ पर हम रेस करते थे कि कौन पहले नीचे आएगा कौन ऊपर जाएगा। ये हमारा साइंस का वो था, साइंस पार्क था, और यार तो टूट फूट गया यार, इतना बढ़िया ग्राउंड था, यहाँ पर इतने सारे कॉम्पिटिशन जीते हैं मैंने भाई, ग्रास बहुत बढ़िया कर दिया इन्होंने, वहाँ पर स्वैंस हमेशा होते हैं, डक्स होती हैं, और यहाँ पर बाईचुंग भूटिया फुटबॉल क्लब भी चलता है, यहाँ पर स्विमिंग का भी एक क्लब चलता है। ये ऑडिटोरियम की बैक साइड है, ये देखो कितना सोच समझ के डस्टबिन बनाया है मछली के मुंह जैसा, यहाँ पर यहाँ ड्रम्स वम्स हम बहुत ज़्यादा जाते थे, यहाँ पर बच्चे होते, यहाँ बैठा भी देते थे कभी कभी ज़मीन में, यहाँ मॉर्निंग असेंबलीज होती थी, यहाँ पर स्टेज है जैसे यहाँ मॉर्निंग असेंबली हो रही है, यहाँ प्रिंसिपल सर वो दे रहे स्पीचेस दे रहे, यहाँ पर प्रिंसिपल सर का ऑफिस था, यहाँ पर लाइब्रेरी है ये जो पीछे की तरफ है, यार बहुत बढ़िया बना दिया यार। जो हमारा दूसरा स्कूल है ना, हमारे ग्राउंड जितना भी नहीं होगा भाई, जो हमारा जो हम 11th 12th में विवेकानंद में आ गए थे यार, उसका वो स्कूल यार बहुत छोटा है। ये डांस रूम है, आई थिंक अब इसको रिसेप्शन बना दिया है, आ जाओ मैं जितना अंदर हो सके दिखाता हूँ आपको जाके। भी होता था जैसे अगर सुबह असेंबली में नहीं जाना, हम आपके पास आ जाते थे, मैडम सर घूम रहा है, सर घूम रहा है, और वो ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो मैम बहुत सारी चीज़ें हुई है मेडिकल, मतलब मेडिकल मैम से तो जैसे कभी वो टॉफी भी देते थे। ये ना स्कूल जो है यार, ये इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट नोएडा में स्कूल्स, और यार अभी आई थिंक कंस्ट्रक्शन वैसे चल रहा है, देखो हर जगह खुदा हुआ। ये भी एंट्रेंस है लाइव ऑडिटोरियम के, ऑडिटोरियम बिल्कुल बीच में है, ये रहा अपना जो प्री प्राइमरी डिपार्टमेंट है, और प्राइमरी डिपार्टमेंट यहाँ पर है जो सीनियर्स के लिए, वो यहाँ पर है, ये देख रहे हो तुम्हें, रुको मैं पास जाके दिखाता हूँ, यहाँ से जाएंगे तो ग्राउंड और स्विमिंग पूल आ जाएगा वापस, और ये सारी साइड में क्लासेस लगी हुई है, ये जो सारे खुले हैं ये अपनी कैंटीन है, ये सारी विंडोज़ ना कैंटीन की है, अब पता नहीं शायद कैंटीन है अब क्या नहीं है, वैसे ही कैंटीन थी, ये बीच में सबसे बड़ा जो जनरेटर टाइप लगा हुआ था, यहाँ पर बच्चों का ला, अब ये नया बनाया आई थिंक, वैसे पहले ग्राउंड होता था ठीक है, और वहाँ पर भी टेनिस कोर्ट बन गया, ये सब काफ़ी नई चीज़ें बन गई, अभी भी बन रहा है। ये रैम टाइप है, यहाँ पर ना हम यहाँ से फुटबॉल ऊपर मारते थे। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पता क्या होता था,
ब्रेक में हम यहाँ फुटबॉल खेलते थे, यहाँ ऊपर यहाँ ना ऐसी लड़कियाँ खड़ी होकर नीचे देख रही होती थी, तो कंपटीशन होता था कि कौन शूट मार के सबसे ऊपर बॉल पहुँचाएगा। अब तुम्हारा भाई प्लेयर तो था ही, बट कभी बंदी नहीं बना पाया, वो खैर अलग बात है। तो ये म्यूज़िक रूम था, ये जहाँ पर ग्रिल्स लगे हैं, ये प्राइमरी वाला म्यूज़िक रूम था। सीनियर वाला म्यूज़िक रूम अंदर है, और यार अभी ना कुछ रेनोवेशन चल रहे हैं तो इन्होंने ऑफिस इधर उधर डाले हैं। ये हमारा हो गया सीनियर ब्लॉक, ठीक है। ये वॉशरूम, ये यहाँ पर असेंबली होती थी सुबह सुबह, जैसे कभी सिर्फ सीनियर्स की असेंबली होनी है या थोड़ा सा कुछ कोई पर्टिकुलर डे है तो वो ना, मैं ऊपर जा रहा हूँ सीढ़ियों से। यहाँ पर मैं बहुत गिरा हूँ, यहाँ बहुत बहुत सारी चीज़ें हुई है यार, बहुत अच्छा सा लग रहा है वापस इतने टाइम बाद आके। मैं तुम्हें अपनी क्लास दिखाता हूँ, खैर अब तो मैं भूल ही गया, ये शायद फिज़िक्स लैब था, क्लास 9th F। अरे यार इन्होंने नई चेयर्स लगा दी यार, इन्होंने चेयर्स नहीं लगा दी। अबे ये कैसी महंगी चेयर है बे। तो भाई ये देखो, इन्होंने ये ऐसी चेयर्स लगा दी। ये भाई ये मेरा क्लास रूम है यार, यहाँ मैंने पढ़ाई करी है ब्रो। यहाँ पर ये पीछे का वो है, एम्फी थिएटर है पीछे, और ये यार ये मेरी क्लास रूम है यार। ये हम बोर्ड डेकोरेट करते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी यार। ये हमारा चॉक बोर्ड, और पता है यार सबसे बड़े मतलब यहाँ पर इस स्कूल में एसी नहीं था, और अब हर बच्चों को एसी चाहिए होता है, मतलब ऐसी बॉडी हो गई है कि नो वन कैन लिव विदाउट एसी। बट इतनी अच्छी सर्कुलेशन होती थी हवा की, इतने बड़े बड़े शीशे। ये इन्होंने शायद नई ये महंगी डेस्क बनवा दी इन्होंने अब, वैसे पहले लक्कड़ वाली थी, मैं ढूंढता हूँ वाली पड़ी होंगी पक्का, ऐसे फेंकते नहीं स्कूल वाले। ओके सो दिस वॉज 11D, नहीं 11 नहीं थी, ये स्टाफ रूम। यहाँ पर सारी टीचर्स PTM में इतनी लगाती थी ना मेरी, सच बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन तारीफ हुई होगी मेरी, एक दिन ऐसा नहीं हुआ। ये हॉल है भाई, यहाँ से खड़े होके हम नीचे देखते थे, ओ भाई बहुत नॉस्टैल्जिक। और अच्छा हाँ, ये यहाँ से कनेक्ट होता है, यहाँ से कनेक्ट होता है प्राइमरी विंग में, ठीक है। ये पीछे ग्राउंड टाइप्स था, यहाँ पर भी हम ब्रेक में फुटबॉल खेलते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे यार। वहाँ पर अभी जाना है मुझे वापस, APJ नोएडा यार। अगर तुम स्पोर्ट्स वोर्ट्स वाले हो, म्यूज़िक वाले हो, क्या प्यारा एक्सपोजर मिलता तुम लोगों को, और मज़ेदार है भाई, मतलब टीचर सपोर्टिव हर चीज़। मैं तुम्हें अपनी क्लास दिखाता हूँ जहाँ में थी। ये है कंप्यूटर लैब, ये अपना कंप्यूटर लैब। ओहो अरे यहाँ पर बैठ के, यहाँ पर एक गेम होता था Quake 3, हम वही खेलते थे आई थिंक। मैं यहाँ बैठता था। ओहो अरे कंप्यूटर वही है यार, Lenovo, इन्होंने चेंज नहीं करे। सामने टीचर पढ़ाती थी यार, ये देखो यार कंप्यूटर लैब, बहुत प्यारा बहुत प्यारा, मज़ेदार यार। मेरी क्लास थी 10th F, ठीक है 10th F, देखता हूँ मैं आपका। इन्होंने आई थिंक, अच्छा इन्होंने ये इन्होंने नक्शा वक्शा भी बना दिया यहाँ पर, यहाँ पर ये है, इन्होंने पूरा मैप टाइप बना दिया। हाँ ये है देखो, ये है पुराने अपना, मैंने बोला था ना डेस्क, ये अपना पुराना डेस्क, वो तो नया था, ये है मैंने बोला लक्कड़ वक्कड़ के हैं। ये भी कनेक्टेड था, इन्होंने अलग अलग कर दिया, ये पूरा ना एक का होता था, मतलब एक में दो बैठते थे, अब इन्होंने दो दो वाला कर दिया है। ये चॉक बोर्ड, चौक उड़ती भी आती थी बट टुकड़े चौक के फेंकते थे अगर तुम सही से वो नहीं होगा। और हमें जैसे बीच में कॉरिडोर है जैसे, ये तो यहाँ पर ऐसे बोर्ड्स हैं, ये मेंटेन करने होते थे। 6B 6C, मेरी 6F थी पता नहीं क्या थी। ये दूसरा स्टाफ रूम भाई, ये था अपना टॉयलेट। अरे भाई साहब शीशा लगा दिया, अरे इन्होंने पहले शीशा नहीं होता था यहाँ पर, हम जब फुटबॉल खेलते आते हम यहाँ चेंज करते थे, यहाँ पर हम बच्चों को बंद कर देते थे। मुझे ये भी याद है किसी से लड़ाई वड़ाई, यहाँ पर मेरी बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं फुटबॉल के मैचेस के बाद और फुटबॉल की प्रैक्टिस के बाद। तो भाई यहाँ से रैम था अपनी, ये लाइब्रेरी जैसे आप निकलते हो सामने बिल्कुल लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी बहुत अच्छी, हर चीज़ अवेलेबल। और मैं प्रीफेक्ट था तो यहाँ पर मुझे लाइन ड्यूटी करवानी पड़ती थी, आई वॉज जूनियर एग्जीक्यूटिव रोबोटिक्स का, तो बैच वैच मिला हुआ था। आई थिंक 5th क्लास में मैं स्पोर्ट्स कैप्टन था, तो हमें ड्यूटीज़ करवानी पड़ती थी, हमें बैजेस मिले होते, हमें बच्चों की लाइन मेंटेन करवाना पड़ता था डिसिप्लिन। अब ये वही वाली जगह जहाँ पर हम रेस करते थे, अब मैं डायरेक्ट ग्राउंड पहुँच गया, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। ये भैया मुझे ले जा रहे हैं, बोल रहे तुम्हें वो नहीं है परमिशन नहीं है, तुम कैसे कर रहे हो ब्लॉगिंग, ये कैसे कर रहे हो, रिसेप्शन चलो मेरे साथ। तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं यार। यहाँ पर भी बैठा भी यार, ऑफिशियल अपना काम हो जाए पहले ये, ठीक है।
तो उसके बाद मुझे एक चीज़ याद आई, जैसे हमारा डांस वांस होता था, हम म्यूज़िक में था और डांस में था, तो हमें ना यहाँ बिठा देते थे जब एंट्री होती थी ऑडिटोरियम की, तो वो पहले जो होते थे वो निकलते थे, फिर हम जाते थे, यहाँ पर भी बिठा देते थे, तो हमें ऐसे वेट करवाते थे। तो भाई हमारा जो स्कूल है उसके साइड में फिल्म सिटी है, जो नोएडा की फिल्म सिटी है, तो यहाँ पर सारे जो अपने मेन बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, यहाँ पर इंटरव्यूज़ भी होते हैं बड़े बड़े लोगों के। तो ये हमारे जस्ट स्कूल के, ये अपना स्कूल, ये इसके जस्ट ऑपोजिट सारी फिल्म सिटी है पीछे, और सामने मायावती का जो पार्क था वो था पहले, अब तो शायद वो बंद हो गया है। हमारा हो गया स्कूल का काम खत्म। यार हमारा एक और काम था, जो मेरे भाई का बैंड है उसकी प्रैक्टिस थी, तो यार बस अभी जैम पैड जा रहे हैं, यहाँ पर नोएडा में कहीं जैम पैड, आई थिंक सेक्टर 41 या 42 है, तो थोड़ा यार मैं तुम्हें वो भी दिखाता हूँ जैमिंग कैसे होती है, क्योंकि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, और मैं उस टाइप की मैंने कभी व्लॉग्स नहीं बनाए कभी जैम पैड के अंदर, तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जैसे बड़े बड़े बैंड होते हैं, बड़े बड़े नहीं कोई भी टाइप के बैंड होते हैं, वो प्रैक्टिस का करते हैं। ओके, तो भाई काफ़ी अच्छा रहा अपना जैम पैड का सीन। अभी पवी आ रहा है, बस उसका बाहर वेट कर रहा हूँ, अभी कुछ खाने जाएंगे यार, सुबह से भूखे हैं, सुबह बस मम्मी ने खाना दिया था उसके बाद चले गए थे, तो अभी सीन बनाते हैं कुछ। रजत भैया का फ़ोन आ रहा है, इनका फ़ोन उठाना ज़रूरी। चीज़ी ब्रेकफास्ट, थैंक यू भैया। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। थैंक यू भैया। इतनी भूख लग रही थी ना, जो भी खाया भाई मतलब मज़ा आ गया। बट एक बात बोलूँगा, वैसे हम ब्रेकफास्ट खा के काफ़ी खाते हैं भाई, इस बार ही ना मज़ा नहीं आया, लिटरली बता रहा हूँ।